फ्रेम है ना वो यहाँ रखे फिर वॉल में, मतलब उसका मेजरमेंट ले। तो अभी डिसाइड हो रही है प्लाई कौन से लगाएंगे बाहर से। तो ये भी फ्रेम बना है, इसमें स्लाइडिंग डोर लगेंगे। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो वेलकम है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो वो आज स्टार्ट होने वाला है। और मेरा सारा घर ना ऐसे फैला हुआ है, देखो मतलब क्या करें, छोटे से कमरों में ना चीज़ें इधर उधर करनी पड़ी और बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मेरा तो इतना सरदर्द हो गया है और धूल मिट्टी से देखो मेरे पिंपल भी निकल आए हैं। और ये रियो और अवयान यहाँ पे अभी मैगी का नाश्ता कर रहे हैं। अवयान की मम्मा ऑफिस चली गई है तो अवयान मेरे साथ है, इवनिंग में वो आ जाएगी। तो अवयान की मम्मा तो ऑफिस गई है और अभी थोड़ी देर में हमारे काम वाले जो काम करेंगे वो आ जाएंगे। तो बस मैं वही चीज़ें थोड़ा समेट रही थी, चीज़ें मैंने थोड़ा इधर की उधर की है और वो तो खाली है, खैर वहाँ से स्टार्ट करेंगे चाहे जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। और जो कटिंग वटिंग है ना वो नीचे ही करेंगे, नीचे वाले फ्लोर में। और मेरा ना उस कारण ये वाला कमरा भी थोड़ा ना मैसी सा हो रखा है। तो अभी ये जो मैस है ना ये 10-11 दिन तक रहने वाला है। अब मुझे नहीं पता ये 10-11 दिन कैसे बीतेंगे, बट जो भी ये रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा आई होप सो, और आपको भी अच्छा दिखेगा, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। फिलहाल मैं करती हूँ आगे के काम की तैयारी और जो जो प्रोग्रेस होती रहेगी उसको मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो जी 11 बज चुके हैं और अभी तक ना कारपेंटर का कोई नामो निशान नहीं है उसके आने का, पता नहीं कब तक आएगा। मतलब वही है, जल्दी काम शुरू होता तो ये कारपेंटर, मतलब इनके साथ ऐसा ही होता है, इनको बोल बोल के काम करवाना पड़ता है और काम काफी लंबा चलता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। और ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। तो जी फाइनली काम शुरू हो गया है, अभी वो कटिंग कर रहे हैं। ऊपर जब लाएंगे तब मैं दिखाऊंगी, नीचे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं चक्कर लगा लगा के थक गई। वैसे भी मैं सही में थक गई हूँ क्योंकि मैंने ना बेड भी खाली कर दिया, उन्होंने बोला बेड खाली कर दो कि फ्रेम है ना वो यहाँ रखे फिर वॉल में, मतलब उसका मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने अभी अभी ये बेड खाली किया है, ये देखो ये खाली हो गया है। और ये दो पोटले बनाए हैं, एक इस साइड के पल्ले के दोनों और एक उस साइड के पल्ले के दोनों। और ये रियो नाश्ता हुआ और गद्दा भी मैंने फिलहाल यहाँ रख दिया है, इसका काम वो बाद में करेंगे कह रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये पोटलियाँ ना उनसे अंदर रखवा दूँ, पर ये ना सच में बहुत भारी हो रही है, बना तो मैंने दी पर सही में उठाई नहीं जा रही है, तो उन्हीं से रखवाऊंगी। और इन बच्चों को खाना खिलाती हूँ, ये दोनों बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत लड़ाई, मतलब इसकी और इसकी इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी लड़ाई हो रही है क्या बताऊँ। और साथ में वो लाए हैं जो अलमारी के लिए सनमाइका पसंद करनी है ना, इनमें से हमें कोई पसंद करनी है, अब देखते हैं हम कौन सी पसंद करते हैं। वैसे उन्होंने हमें सजेस्ट किया ही वाइट में ही लगाओ क्योंकि अलमारी बड़ी है, ब्लैक में करोगे या ब्राउन में करोगे तो कमरा डल भी लगता है और छोटा भी लगता है, तो कोई मतलब जो वाइट में हो या वैसा कलर हो वही छांटेंगे। तो जो भी हम चूज़ करेंगे वो आपको पता तो चल ही जाए। तो सुबह से लेके अब जाके ऊपर का काम शुरू हुआ है, बहुत शोर हो रहा है। अवयान और रियो तो सो गए थे थोड़ी देर, तो मैं भी लेट गई थी और सोमी भी आ चुके हैं। हेलो, और 6 बजने वाले हैं अभी, अवयान की मम्मा नहीं आई। बस पूछो, नहीं मैंने बेड तो खाली किया, बेड तो मैंने ही खाली किया, बट वही है कि बाकी सारा सामान उन्होंने खड़ा उन्होंने किया और वो पोटली अंदर उन्होंने, मैं दिखा रही हूँ कितना हो रहा है, बहुत आवाज हो रही है इसलिए कुछ देखो। इसी शोर में कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब सुनाई नहीं दे रहा, तो वही है बस, अभी धीरे धीरे बन रहा है, प्रोग्रेस आपको दिखती रहेगी। सामान तो इसमें भी आ जाएगा, कपड़े रख जाएंगे। कपड़े क्यों रखूंगी मैं इसमें, क्यों सारे में वही रखोगे? ठीक है, हाँ तो कैसा लगेगा बताओ? अच्छा ही लगेगा, अलमारी अलमारी अलमारी। ये है हमारे कारपेंटर साहब जो हमारा सारा काम करवा रहे हैं, हमारे घर में जितने भी लकड़ी के काम हुए हैं वो उन्होंने ही करवाए हैं, तो हम इनसे ही करवाते हैं। और भैया तो पहली बार कर रहे हैं हमारे यहाँ काम, ये भी पहली बार कर रहे हैं, इन्होंने ऊपर किया था ना काम, यहाँ तो पहली बार कर रहे हैं। वहाँ पर तो सिंगल पल्ला आएगा। तो रुचि आ गई है अब ऑफिस से और रुचि को मैंने अभी भी चाय पिलाई है और मेरा खाना भी बन गया। हेलो हेलो, और कैसा रहा तेरा दिन? बस रुचि को ये वाली प्लाई पसंद आ रही है, ये ना तुम्हारी वॉल से मैच करेगी, ये वाली मैच करेगी। और भी देखो, देख ले काफी सारी है, ऑप्शन काफी सारे हैं, लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर नहीं चाहिए? कौन सा पसंद है? प्लेन
ये प्लेन और इसमें ये चाय। तो बता कैसी बनाई है। नाइस, सी कई लड़की काम करना। बिल्कुल। तो अभी डिसाइड हो रही है प्लाई कौन से लगाएंगे बाहर से। तो जी बच गए 9 और ये हो गया हमारी अलमारी का फ्रेम तैयार। आपको साथ के साथ बताती मैं जा रही हूँ। देखो ये मैंने बनाया अपने ड्रेसिंग के लिए। यहाँ पे मिरर आएगा, नीचे ड्रॉर आएंगे, ऊपर बॉक्सेस हैं, अभी इसमें सेक्शन बने हैं और अभी कल इसमें सेक्शन बनने बाकी हैं। तो कल इस वाली अलमारी के सेक्शन बन जाएंगे, तो वो भी आपको मैं धीरे धीरे दिखाती रहूंगी। और अभी देखो सारा नीचे सारा इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है मैं बता नहीं सकती। ये सारा मुझे सफाई करनी है अभी। ये देखो मतलब इस धूल मिट्टी का सामना हमें रोज करना पड़ेगा। चल अभी झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ और थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ। अंदर का कमरा भी बहुत ही गंदा पड़ा है। ए ये देख रहे हैं इनकी लड़ाई हो रही है। अरे ये क्या कर रहा है यार? बाकी ये पिटा रहा है उसको, बाकी मैंने देख लिया, वो बेचारा हेल्पलेस है। तो भाई यहाँ कहा जा रहा है ये जो छोटा वाला है ना, ये भी हमको परेशान कर रहा है। रुचि बचपन याद आया। हाँ मतलब छोटे ही हमेशा बड़े को परेशान करते हैं, क्यों ऐसा होता है यार? मतलब बड़ा वाला कुछ कर नहीं पाता। मैं भी ऐसी हेल्पलेस ही हो जाती थी रुचि के साथ जब रुचि और मेरी लड़ाई होती। तो माइलो भी घूम रहा है। अब चलो मैं यहाँ सफाई करती हूँ। ये माइलो ने और हमारा कूड़ा बिखरा दिया। और तो भाई आज मेरा है बहुत सारा काम। इसके बाद हम खाना वाना खा के हम गद्दे नीचे लगा के सोएंगे आज, क्योंकि बैग तो अभी बिजनेस रहा, क्योंकि तब ये अलमारी नीचे करेंगे और फिर उसको उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं मैं तब तक के लिए बाय। हे दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नहारा धोना पूजा वूजा सब हो गई है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। रियो चला गया स्कूल और जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उस रिनोवेशन के काम का आज है day 3 और day 3 तक प्रोग्रेस मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए हमारी अलमारी का फ्रेम। तो ये भी फ्रेम बना है, इसमें स्लाइडिंग डोर लगेंगे और काफ़ी सारे बॉक्सेस हमें मिल गए हैं। और ये मेरा मिरर एरिया ड्रेसिंग इसको मैंने बनवाया है। बाकी लुक तो इसका पूरा बनने के बाद आएगा, तो आप बने रहिएगा, आप बताना फिर हमें कमेंट में कैसा है। और इस वाले कॉर्नर में काम शुरू नहीं हुआ है, इस कॉर्नर पे काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको मिलाती हूँ सैम से। हेलो गुड मॉर्निंग। तो जी सैम जी की तो चाय चल रही है अभी मॉर्निंग की। और बस हमारा घर ऐसे ही अभी मतलब आजकल तो आप जानते हैं अस्त व्यस्त है, तो सोमी चले जाएंगे अभी 12 बजे की शिफ्ट में और उसके बाद का सारा काम मेरे ऊपर है। तो फिर देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। और अभी काम करने वाले आए नहीं, वो आते हैं 10-11 बजे तक और फिर काम भी वो रात के 9 बजे तक करता है ना सोमी, 9 बजे तक लगे रहते हैं। बाकी बेड रात को हम सोने के लिए ये वाले गद्दे यहाँ नीचे बिछाते हैं और नीचे ही सो रहे हैं आजकल। क्यों माइलो? और ये है हमारा माइलो। माइलो हेलो हेलो। माइलो की मॉर्निंग अभी हो रही है, पूरे कमरे में विचरण कर रहा है, इसको भी समझ नहीं आ रहा है इनके घर में चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो बस दोस्तों यही है ताज़ा खबर, अलमारी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बाकी लुक तो इसका बनने के बाद ही आएगा। अच्छा लग रहा है? कैसा हो रहा है तुम्हें फील? कमरा भी तो छोटा हो रहा है, बट वही है कि अब भैया इतने में तो काम चलाना ही पड़ेगा। क्यों छोटे छोटे कमरों में क्या क्या करें? माइलो तुम मजे से बैठा रहे यहाँ, चलो तुरंत नीचे। तुम्हारे बिछाए माइलो को थोड़ी सी भी जगह दिख रही है ना ऊपर गद्दे में बैठने के लिए, वो मौका नहीं छोड़ रहा है, मतलब इतने से गद्दे में भी बैठ जा रहा है देखो। और दोस्तों 1 बजने वाले हैं और पता है इस बीच बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं हो पा रही, बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। सोमी भी चले गए हैं ऑफिस अब, तो आज तो सोमी को 12 बजे जाना था और वो जो काम करने आया ना वो भी चले गए हैं, उनका ब्रेक होता है 1 बजे में। तो आज भी काम ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इसकी जो है बॉर्डर वॉर्डर वो लगी है वो करी इन्होंने, तो अभी बस इतना ही हुआ है, बाकी मेरा सारा काम फैला हुआ है। और पता है झाड़ू कितनी बार लगाना पड़ा है, देखो इतनी धूल मिट्टी हो जा रही है, इतनी धूल मिट्टी हो जा रही है कि मैं बता नहीं सकती। और इसी में मेरा सारा टाइम निकल जा रहा है। हमें कितने दिन ऐसे खाना बदोशों की तरह रहना पड़ेगा, मतलब एक कमरे में गुजर बसर हो रही है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी रहे हैं हम एक कमरे में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आदत पड़ जाती है ना खुले खुले की थोड़ा। वही है माइलो भी बेचारा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बैठा है, क्योंकि जब वो लोग आ रहे हैं ना तब इसको बांधना पड़ रहा है, ये ना उनके साथ भी ना खेलने लग जा रहा है, मतलब शैतानी करने लग रहा है, इधर छेड़खानी उधर छेड़खानी। तो अभी जब वो गए हैं उनका ब्रेक हुआ है, तो माइलो का भी ब्रेक हुआ है, इसको भी मैंने खोल दिया है, वरना ये उनको भी काम नहीं करने दे रहा। ये तो खुश होता है लोगों को देख के कि हाँ आओ मेरे घर में आओ और मेरे साथ खेलो। तो अभी ये मेरे को देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। माइलो हेलो नहीं किया आपने, हाई फाई नहीं किया, हाई फाई, हाई फाई नहीं किया आपने फ्रेंड्स को, हाई फाई, हाई फाई करो, हाई फाई कर दो, वेरी गुड, नमस्ते कर दो, नमस्ते
माइलो भी ना आलस में है, ये देखो आलस में, आलसी इंसान फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों टाइम हो गया 9:15 और सही में इस बीच कोई ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही, इतना काम हो जा रहा है। अब जाके वो गए हैं 9 बजे और आज का जो काम हुआ है आज ये ड्रॉ लगे हैं, मतलब इनमें चैनल वैनल तो सारा टाइम इसमें ही लग गया। ये देखो ये वाला ड्रॉर और ये दो नीचे के ड्रॉर, इनमें चैनल लगे हैं और उन्होंने इसकी बाउंड्री दी है, मतलब आज का बस इतना काम हुआ है। लगता तो ये कम है लेकिन सच में इस काम को करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, उस चैनल को नाप के लगाने में, उसका बैलेंस करने में बहुत टाइम लग जाता है। और अब मैं कर रही हूँ सफाई क्योंकि हमें सोना भी होता है, तो सोते तो हम यहाँ गद्दा बिछा के हैं तो यहाँ की सफाई जरूरी है। और देखो ये जो इतनी सारी धूल मिट्टी निकल रही है ना, इससे बहुत बुरा हाल है। ये देखो तो इसे मैं जाके बाहर एक बड़ा सा थैला उसमें डाल रही हूँ फिलहाल, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है और बस सफाई करती हूँ। आज मैंने सिंपल दाल चावल बनाया है क्योंकि आजकल पता क्या हो रहा है, इस काम के बाद ना शाम को ना मेरे हेडेक हो जा रहे हैं क्योंकि वो स्मेल से, मतलब सर में दर्द हो जा रहा है। अभी तक तो नहीं हुआ है टच वुड। एक इंसान अभी यहाँ से अंदर आएगा। हाँ जी कहाँ हो? वाह आ गए तुम। हेलो दोस्तों गुड इवनिंग, क्या हो? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं आज ये ड्रॉर लगाए उन्होंने, ये वाला ड्रॉर और ये दो ड्रॉर, इसके चैनल वैनल लगाने में काफी टाइम लग गया और वही बाउंड्री। कहाँ से लगाया? चैनल लगा दिए, खोल के देख लो। क्या बात कर रही है? वो ये नहीं भारी लाया था, वो कह रहा था अच्छा है, अच्छे वाले लग रही है तुम्हें। हाँ बहुत, तुम्हें पता नहीं दिन भर ना मेरे, अब नाक मेरी सूख गई है क्योंकि इस ये इस लकड़ी की ना वो कि ना विक्स जैसी आ रही है, वो आंखों में भी लग रही है नाक में भी लग रही है और इसीलिए मेरी ना शाम तक हालत खराब हो जा रही है क्योंकि मैं दिन भर उसी उसमें हूँ ना स्मेल में, तो शाम तक मेरे वो सर पे चढ़ जा रही है और रोज शाम का मेरा सर दर्द इसीलिए हो रहा है, मैं आज समझी उस चीज को। और एक बच्चे से ये मिल रहे हैं, तो चलो दोस्तों हम भी खाते हैं खाना वाना और आज के लिए बस इतना ही, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारी जो भी रेनोवेशन हो रहा है उसकी प्रोग्रेस देखते रहिए और बने रहिए हमारे व्लॉग में और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।